हेडिंग बनाएंगे हिम तेंदुआ दिवस। अभी था कुछ दिनों पहले 23 अक्टूबर को होता है हर साल ये हिम तेंदुआ दिवस। तुम्हारे काम का नहीं दिवस को याद करें। याद है कि हिम तेंदुए के लिए हम क्या कर रहे हैं? छोटी सी बात, हिम तेंदुए को बचाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है हमारे यहाँ? जानते हैं हिम तेंदुए के बारे में, स्नो लियोपर्ड के बारे में। तो स्नो लियोपर्ड या हिम तेंदुआ कहाँ मिलता है भारत में? ये पूरा हिमालयन बेल्ट जो है, लद्दाख चलिए, जम्मू कश्मीर में जाइए, हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, सिक्किम में जाइए, अरुणाचल में जाइए, हर राज्य मिलेगा आपको। यहाँ से यहाँ तक पूरे हिमालय में बिखरा हुआ ये, एक दो दार्जिलिंग में भी देखे जाते हैं कभी कभी इनको। चलिए कुल मिला के जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक अरुणाचल सब जगह मिलेगा आपको हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ IUCN की लिस्ट में वर्नेबल कैटेगरी में आता है, IUCN की सूची में वर्नेबल सुभेद श्रेणी में आता है। भारत में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं भारत के हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। दुनिया के लगभग आधे हिम तेंदुए ही पाए जाते हैं इस जगह पर। दुनिया के आधे हिम तेंदुए सबसे ज़्यादा ही पाए जाते हैं। इसे कहते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ स्नो लियोपर्ड कहते हैं इसको हम लोग। हिम तेंदुओं की विश्व राजधानी कहते हैं हम लोग हेमिस को। बहुत तेंदुए हैं यहाँ पर और इसी कारण से लद्दाख का स्टेट एनिमल है हिम तेंदुआ, राज्य जीव है हिम तेंदुआ वहाँ का। लद्दाख का हिम तेंदुआ वहाँ का स्टेट एनिमल है, ठीक है। हिम तेंदुए के सामने खतरे क्या हैं, वहाँ पर जोखिम क्या है, इसके आवास नष्ट हो रहे हैं या इसको ख़त्म क्यों हो रहा है, इसके सामने जोखिम किस किस प्रकार के हिम तेंदुए पर? तो जोखिम में पहली बात तो इसके आवास नष्ट हो रहे हैं, इसका हैबिटाट नष्ट हो रहा है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने लगी है और वहाँ जो पहाड़ों पर रहता था जिन बर्फीले इलाकों में, ये क्लाइमेट चेंज से मुश्किलें हो रही हैं, इसे ऊंचे इलाकों में शिफ्ट करना पड़ रहा है, या जो शिकार ये खाता था वो शिकार धीरे खत्म हो रहे हैं वहाँ पर, तो आवास ख़त्म हो रहा है इसका। इसके जो शिकार पक्षी या जीव थे, जो भोजन था इसका अपने आप में, फूड चेन का पार्ट था, वो ख़त्म हो रहा है। टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है पहाड़ों पर, जिससे ऑफकोर्स इसके लिए एरिया और कम होते जा रहे हैं समय के साथ। वहाँ पर टूरिस्ट एक्टिव सड़कें बन रही हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर, तो उसका एरिया और श्रिंक होता जा रहा है समय के साथ, तो जोखिम बढ़ रहा है इसके लिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आवास इलाके नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर हिम तेंदुए को बचाने के सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं, तो आज से कुछ साल पहले 15 साल पहले 2009 में हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड या प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ। 2009 में सरकार ने लॉन्च किया था, भारत सरकार ने, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ बचाने के लिए हिम तेंदुए को। इसके अलावा 2017 में हमने 12 देशों के साथ मिलकर, भारत और 11 अन्य देश, कुल 12 देशों ने साइन किया था बिश्केक घोषणा पत्र पर। बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था हम लोगों ने, बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये 12 देश वो देश हैं जहां हिम तेंदुआ मुक्त अवस्था में घूमता है अपने प्राकृतिक आवासों में, चिड़ियाघर में नहीं है, ऐसा नहीं, प्राकृतिक आवासों में रहता है हिम तेंदुआ। उन देशों की बात हो रही है, तो 12 देशों ने साइन किया था। अभी 12 देश कौन कौन से चाहे तो सुन लीजिए एक बार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हो गया रेफरेंस के लिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तीन तो हमारे हो गए पड़ोस में, ये ऊपर जाइए चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, चीन, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, भारत, ये हो गए आपके। इधर चलिए एक बार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये हो गए आपके कितने, 3, 2, 5, 2, 7, 4 देश है सेंट्रल एशिया के। कौन नहीं है 5 सेंट्रल एशिया में? तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान हटा दीजिए, बाकी जो 4 देश होंगे कजाकिस्तान, किर्गिज, तजाक, उज्बेक, इन 4 जगह मिलेगा आपको, तुर्कमेनिस्तान में नहीं मिलेगा। तो 5 देश है ना, उनमें से तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, तो बाकी 4 देशों मिलेगा आपको वहाँ के, और बचा लास्ट में रशिया, तो 12वां देश हो गया रशिया। याद कर पाएंगे, पड़ोसी देश सारे हमारे ये, इन्हीं देशों में मिलता है हिम तेंदुआ दुनिया में ये। फिर सुन लीजिए अगर कन्फ्यूजन है, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, मंगोलिया, ये हो गया फ्लो में, या आप क्लॉकवाइज चलना चाहें, रशिया, मंगोलिया, चाइना, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 4 देश, ये सब करना चाहें, याद कर जाएंगे 12 देश है ना अपने, 4, 8, 4, 12, ठीक है, वट एवर। 12 देशों ने साइन किया था क्या, बिश्केक, बिश्केक कहाँ पर है ये, किर्गिस्तान की राजधानी है, तो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में साइन हुआ, बिश्केक घोषणा पर मेंबर है इसका। और यहाँ पर हिम तेंदुए को बचाने के लिए ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक वैश्विक कार्यक्रम लॉन्च किया गया हिम तेंदुए को बचाने के लिए, ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया गया हिम तेंदुए बचाने के लिए बिश्केक घोषणा पत्र के बाद, फाइन। इसके अलावा और कुछ प्रयास हो रहा है भारत में? जी हाँ, हिम तेंदुए को बचाने के लिए भारत कार्यक्रम का काम चला रही है हिमाल संरक्षण कार्यक्रम, जहाँ स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं, लोकल कम्युनिटी को शामिल करते हैं आप तेंदुए को बचाने के लिए, हिमाल संरक्षण, इंग्लिश में लिखेंगे हिमाल संरक्षण,
हिमालय संरक्षण कार्यक्रम, हिमालय संरक्षण कार्यक्रम चला रही है भारत सरकार, जिसमें लोकल कम्युनिटी को शामिल करते हैं हिमालयन जीवों को बचाने के लिए, विशेषकर हिम तेंदुओं को बचाने के लिए। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम, सिक्योर हिमालय, ये भारत सरकार लॉन्च किया सिक्योर हिमालय नाम का एक कार्यक्रम। सिक्योर हिमालय के तीन उद्देश्य, उसमें से एक उद्देश्य हिम तेंदुओं को बचाना भी है। तीन उद्देश्य क्या हैं? हिमालय ग्लेशियर बचाए जाएं, हिमालय की वनस्पति बनाई जाए, वन्यजीव बचाए जाएं, और हिमालय के लोकल लोगों की आजीविका बचाई जाए। तीन चीज़ें बचानी है, हम ग्लेशियर बचाने हैं, वन्यजीव बचाने हैं, और वहाँ के लोकल लोगों की आजीविका बचानी है। तो ये हमको बचाना है सिक्योर हिमालय में, सिक्योर करना तीन चीज़ों को, दो वहाँ पर जो आइस कैप्स हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ है, वहाँ जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ जो वन्यजीव हैं, और वहाँ के लोगों की आजीविका, लाइवलीहुड बचानी है हमें, लाइवलीहुड आजीविका बचानी है लोगों की हमको, जो हिमालय पर निर्भर हैं, लकड़ी काटते हैं या कुछ पशु पालते हैं, उनकी आजीविका खराब ना हो। तो तीन चीज़ सिक्योर करनी है अंडर द सिक्योर हिमालय हमको। और याद रखिएगा, सिक्योर हिमालय और हिमालय संरक्षण, इसके लिए भारत सरकार पार्टनरशिप कर रही है दो अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर। दो अन्य संस्थाओं का नाम है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और GEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा। याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सिक्योर हिमालयास और हिमालय संरक्षण, इन दोनों कार्यक्रमों को करने के लिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण मंत्रालय सहयोग कर रहा है UNDP के साथ, और सहयोग कर रहा है GEF यानी वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा। याद है शब्द का नाम बता देते हैं पहले आपको, ग्लोबल सोलर फैसिलिटी बन रही है, तो बता दें मैंने आपको एक, है ना, तभी चर्चा हुई थी इस बारे में, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा ये फंडिंग करती है इस काम के लिए हमको। हो पाएगा टॉपिक, तो हिमालय में बचाने के लिए हिम तेंदु का प्रयास हो रहा है, काफ़ी सारे फैक्ट मिल गए आपको लिखने समझने के लिए, याद करिए सारी बातों को यहाँ पर, ये हिम तेंदु के बारे में 360 पूरा होता है। एनवायरमेंट UNDP और मंत्रालय हमारा भारत सरकार, UNDP और GEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा फंडिंग देती है तेंदुए को बचाने के लिए।